स्वजनों, विश्व भर के जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंशिया ऑफ द वर्ल्ड, वो आज भगवत गीता के प्रति आकर्षित हैं। और दूसरे क्रम पे आता है जैन। गीता में जब प्रसंग आएगा कभी कभी जैन के दृष्टांत भी दूंगा। और चिंतन करने पर पता चलता है कि गीता और जैन दोनों अलग नहीं है। जैन बेसिकली ध्यान प्रक्रिया है। संस्कृत शब्द है ध्यान, जो भगवत गीता के छठे अध्याय में आत्मसंयम योग में बताया गया। अब ये ध्यान भी ये लोगों ने आज के जमाने में, मार्केटिंग के जमाने में, सभी शब्दों को इतने सस्ते कर दिए हैं, क्योंकि हर तीसरे खंभे पे एक दाढ़ी लटक रही है मेडिटेशन सिखाने के लिए। इतना कमर्शियल कर दिया, सैटरडे संडे आ जाओ ध्यान सीख लो बस, और वो भी पिरामिड सिस्टम से। ये चीटिंग करने वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे ध्यान नहीं सिखा जाता। ये क्रिया वो क्रिया वाले लोग ये ध्यान नहीं सिखाते, वो ध्यान के नाम पे केवल अपना माल बिकर बेच रहे हैं। क्योंकि शुरुआत ध्यान से करेंगे फिर दुकानें लगा देंगे, बिस्किट भी हमारे खाओ अगरबत्ती भी हमारी जलाओ। अब भले आदमी ध्यान से इसका क्या लेना देना, और फौज पूरी समाज में उतार देते हैं बेचो बस सेल, हर नुक्कड़ पे ध्यान बेचने वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है, इसलिए बहुत संभाल के बोलने पड़ते हैं ये शब्द। भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक पड़ाव है ध्यान। भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया है आत्मसंयम योग। वो ध्यान शब्द वैदिक परंपरा के जो लोग थे वो तो भूल गए, उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए, विशेष क्रियाकांड में मग्न हो गए। लेकिन बुद्ध ने उसको पकड़ा शून्यत्व पर जाने के लिए, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए ध्यान की महिमा को बुद्ध ने पकड़ा और इतना महत्व दिया। बुद्धिज्म फिर चाइना में गया, चीन में गया, तो ध्यान चाइनीज भाषा में बन गया च्यांग, और वो चाइना से फिर नीचे डाउन साउथ में उतरा, जापान में पहुंचा, जैन बन गया। ध्यान च्यांग जैन, तो जैन और कुछ नहीं, ध्यान की परंपराएं उन्होंने अपने अपने रूप में विकसित की। जैन की बड़ी प्रसिद्ध है टी सेरेमनी, चाय बन रही हो और जैन बहुत भीड़ भाड़ में नहीं होता, 10-12 लोग तो बहुत हो गए। ये जो होलसेल में ध्यान कराते हैं ना, वो वैसे ध्यान होता ही नहीं, प्रथा ही गलत है, वो ध्यान समझे ही नहीं क्या है ध्यान। महासत्संग करके और ध्यान, अरे बड़े आदमी, 10,000 लोगों में ध्यान होता है कभी? एक दूसरे का ध्यान रखेंगे केवल, 10-12 लोग तो बहुत हो गए। टी सेरेमनी, कमरे के बीच में स्टव के ऊपर चाय उबल रही है और इतने धीरे सबको कहा जाए बस देखो इसको, देखते रहो और कोई विचार मन में ना हो, केवल चाय, बस चाय उबलती है अपने अपने बोल में, परोसी जाती है कटोरे में और धीरे से उसको पीते जाओ। ये टी सेरेमनी में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन वो 4 घंटे का ध्यान है जैन में। मैंने इसे बहुत सरल बना के कहा है, आप कहोगे 4 घंटे में चाय पी के ध्यान हो जाएगा, नहीं, वो इतना सरल नहीं है, उसमें पूरी प्रोसेस है। लेकिन वो ध्यान जो भगवत गीता के छठे अध्याय में है, इसका अर्थ ये हुआ प्रिय स्वजनों कि आज पूरे विश्व का जो बुद्धिमान वर्ग है,
चाहे उसकी कोई भी नेशनलिटी हो, चाहे उसकी चमड़ी का कोई भी कलर हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे उसका अपना जन्मजात या पारिवारिक कोई भी धर्म से संबंध हो, लेकिन जब बुद्धि के क्षेत्र में आता है, जीवन के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा उसमें जब जागृत होती है, तब उसको संतोष केवल मां भगवत गीता के पास से मिलता है। और इसी कारण आज श्रीमद् भगवत गीता के विश्व की 127 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इट इज ट्रांसलेटेड इन मोर देन 127 लैंग्वेजेस। ऐसे बाइबल का अनुवाद 170 भाषाओं में हुआ, 170। लेकिन फर्क यह है कि बाइबल का अनुवाद जो कराया गया है वो एग्रेसिव कन्वर्जन के हेतु से कराया गया, पेड लोगों के द्वारा कराया गया है, पैसे दे करके कि ये तुम्हारी भाषा में अनुवाद कराओ इसका, ताकि हम पहुंचाए। गीता के 127 अनुवाद हुए, उसमें किसी ने किसी को एक रुपया दिया नहीं। जिन जिन लोगों ने अनुवाद किया, प्रेम से किया, किसी न किसी कारण से वे भगवत गीता के परिचय में आए, प्रभावित हुए और उनको ऐसा लगा कि ऐसे दिव्य विचार तो मेरी भाषा के लोगों को भी मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने सेल्फ मोटिवेटेड, निष्काम कर्मयोग की भावना से उसका अनुवाद किया और अपनी भाषा तक पहुंचाया। इसलिए ये 127 अनुवाद भी बड़े मूल्यवान है। दो वर्ष पहले मिडल ईस्ट में शेख फैमिलीज के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद अरेबियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में कराया गया और शेख के द्वारा प्रेम से, पैसा देकर नहीं, भाड़े से नहीं, प्रेम से, और कई भाषाओं में हुआ है। तो ये महत्ता है भगवत गीता की। इस भूमिका के साथ हम तो वैदिक सनातन संस्कृति की संतान हैं। भगवान शंकराचार्य जी चरपट पंजरी का स्तोत्र में पुनर्दर्शनाय च, जितलो समय मळे भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरी का स्तोत्र में कहा है, भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रै करणे। थोड़ा सा भी यदि भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, भगवद गीता किंचित धीता, वो मृत्यु के भय से बच जाता है। ऐसी है। उसी में आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता को गाओ, अध्ययन करो उसका, और नाम सहस्रम विष्णु सहस्र नाम, ये निरंतर इसका अध्ययन करते रहो। गीता के महात्म्य का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद मानो गाय है। अब ये भी समझा दूं, बुद्धिमान वर्ग मेरे सामने है, पढ़े लिखे लोग, नई पीढ़ी, हमारे जो वेद है वो दुनिया का सबसे प्राचीन एंड द मोस्ट ऑथेंटिक विजडम है, ज्ञान है। ये बात
केवल भूपेंद्र भाई पंड्या यदि कहें तो उसका अस्वीकार करने का आपको अधिकार है। आप बहुत बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे, आप कह सकते हो ये महाराज लोग तो ऐसा ही बोलते रहते हैं। लेकिन विश्व भर के जब यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के गोरे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स जब ये कहें, तब तो फिर मानना पड़ेगा ना। ये हमारी बुद्धि आजकल ऐसी है कि हमारा कोई आदमी आकर के कुछ कहे ना बात, तो हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन वहां इंपोर्टेड हो, मैं कुछ वो 5-7 वो नाम डाल दूं, तो आप कहोगे वाह। बाय द वे, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, आज से 160-170 साल पहले। चार्ल्स विल्किंसन आया था तो यहां नौकरी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उस समय का जो वाइसरॉय था उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। लेकिन वो वाइसरॉय, कहीं उसने सुना कि ऐसा ग्रंथ यहां पर है भारत में भगवद गीता नाम का, उसको इतनी जिज्ञासा हुई कि अपने असिस्टेंट चार्ल्स विल्किंसन को उसने भेजा कि तुम जाके बनारस में संस्कृत पढ़ो। 7 वर्ष तक चार्ल्स विल्किंसन में बनारस में रहकर के संस्कृत पढ़ी, वो गोरा ब्रिटिश, और याद रहे उस समय इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, गुलाम देश था, ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। उस समय वो गोरा बनारस में जाकर 7 वर्ष तक संस्कृत पढ़ा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हम क्या कहते हैं, गीता वो तो संस्कृत में है, वी डोंट नो संस्कृत, अंग्रेजी आ गई, संस्कृत नहीं आती। मौसी का दूध पीने चले, मां को भूल गए। तो ये गोरा अंग्रेज संस्कृत पढ़ा और उसने भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया है। दैट इज द फर्स्ट अवेलेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता। अमेरिका से लोग बड़े प्रभावित हैं आजकल, क्यों? मैं तो पिछले 25 वर्षों से जाता हूं, वर्ष में कई बार 2-2, 3-3 बार जाता हूं, तो ट्रिप्स गिनोगे तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। बीच में 1-2 वर्ष ऐसे थे कि साल में 5 बार गया, तो मेरे नजदीक के लोगों ने कहा गुरुजी पास निकलवा लो अमेरिका का, प्रसंग पड़ा, जरूरत पड़ी, जाना पड़ा। अमेरिका में लोगों को क्यों अच्छा लगता है, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है डेस्टिनेशन है अमेरिका के, क्यों? क्योंकि वहां का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का विचार अमेरिका को जिसने दिया वो है इमर्सन। ही वॉज अ पोएट एंड फिलोसोफर। इंग्लिश लिटरेचर का अभ्यास किसने किया होगा तो उनको पता है इमर्सन। अमेरिका के ऊपर इमर्सन के विचारों का प्रभाव बहुत है। इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसमें भी इमर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा, इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिशियन नहीं था वो, लेकिन वो स्वतंत्रता की बात। यह इमर्सन ने जब भगवद गीता पढ़ी, पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा है कि जब कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी साथ में चलता है। एक नॉवेल भी यदि आप पढ़ो ना तो आपका दिमाग साथ में चलता है कि ये सही कहा, ये गलत कहा, ये ठीक है, ये नहीं है, ये मजा नहीं आया है। आप 3 घंटे की मूवी भी देखने जाओ तो भी उसमें ओह दिस इज गुड, दिस इज नॉट राइट। उस मूवी में उस हीरोइन ने 50 कपड़े पहने होंगे अलग अलग, तो उसमें से 5 डिजाइन आप अप्रूव करोगे, 3 डिजाइन को यक्स ऐसा पहनती है, तुम्हें पूछने आई थी वो नहीं। लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन हमेशा आ जाता है बीच में, कुछ भी आप जब देखते हो पढ़ते हो।
अब सामान्य व्यक्ति का भी ये जो ओपिनियटेड माइंड है, अपना अभिप्राय देने का जो स्वभाव है उसका, तो ये तो इमर्सन जैसा व्यक्ति कितना बुद्धिमान, वो स्वयं इतना साहित्य सर्जक, फिलोसोफर, कवि, क्या उसका वो ओपिनियन वाला माइंड नहीं चलता होगा? भगवद गीता पूर्ण पढ़ने के बाद इमर्सन ने कहा, दिस इज द फर्स्ट एंड प्रोबेबली द ओनली बुक इन माई लाइफ जिसको पढ़ते समय एक भी विचार के साथ मैं असहमत हूं ऐसा मुझे नहीं लगा, आई एग्री टोटली विद दिस थॉट्स। ये गीता की महिमा। और उसने लिखा कि सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि यहां पर इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी श्री कृष्ण अपने आप को थोप नहीं रहे, ही डजंट इंपोज हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि आई एम सजेस्टिंग यू दिस। प्रिय स्वजनों याद रखना, आज जो रेबेल नेचर आया है ना समाज में, क्यों आया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अपने विचारों को, अपने आइडियाज को थोपना चाहता। पिता अपने पुत्र से कहता है मैं ये कह रहा हूं यही करो, मां अपनी पुत्री से कहती है मैंने कहा इसलिए हो जाना चाहिए, सास अपनी बहू से कहती है हमारे घर में तो हमेशा यही होता आया है यही करो, बड़ा भाई छोटे भाई से कहेगा यही करो, बड़ी बहन छोटे बहन से कहेगी ऐसा ही करो, पति अपनी पत्नी, कह सकता है? कोशिश तो ये होती है कि यही करो, पत्नी अपने पति से कहेगी यही करो, आई लव यू सो यू मस्ट डू दिस। ये सब जगह पे सारे जो रिलेशन है, और जैसे ही रिलेशन में क्लोजनेस आई, आत्मीयता आई, कि तुरंत अपने आप को थोपना शुरू कर देते, तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें यही करना पड़ेगा। जैसे मेरी बात मानो, दैट इज योर सर्टिफिकेट दैट यू आर एक्सेप्टिंग मी एंड यू लव मी, एंड इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से आई फील दैट यू आर रिजेक्टिंग मी। पति यदि कहे पत्नी से कि ये करो और पत्नी कहे नहीं आज नहीं करना है, तो पति को ऐसा लगता है कि पत्नी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ी समस्या बन जाती है। विचार थोपे जाते हैं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सूरत में नहीं होता होगा, बाकी पूरी दुनिया में हो रहा है। इमर्सन कहते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और कहीं पर भी ये कृष्ण अपने आप को थोपते नहीं है, ही डजंट इंपोज हिमसेल्फ। ये कितनी महानता है, सामने वाले की बुद्धि पर भरोसा रखना। भगवद गीता का उपदेश जब पूरा हो जाता है 18वें अध्याय में, तो उसके 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इन द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति, इति का अर्थ संस्कृत में होता है एंड। दस ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुझे ज्ञान दिया, कैसा ज्ञान है? गुह्यात गुह्यतरम, मोस्ट सीक्रेटिव ऑफ द सीक्रेट नॉलेजेस, ऐसा मैंने श्रेष्ठ, अपने ज्ञान की महत्ता अवश्य बता दें कि मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ ज्ञान है अर्जुन, लेकिन विमृश्य तद अशेषेण, ए तद अशेषेण विमृश्य, इस ज्ञान को तू संपूर्ण रूप से अशेषेण टोटली विमृश्य, चिंतन कर, मनन कर, तू सोच उसके बारे में, और फिर यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु,
जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। कितनी बड़ी स्वतंत्रता, इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी ये स्वतंत्रता। डू व्हाट यू फील राइट, यू डोंट हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू टू डू सो। ये स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता, नहीं तो सारे विश्व में आप देखो धर्म के क्षेत्र में क्या होता है, पाप का डर दिखाकर या पुण्य की लालच देकर, नरक का डर दिखाकर या स्वर्ग की लालच देकर, शाप का डर दिखाकर या वरदान की लालच देकर काम कराए जाते हैं। ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे पाप लगेगा। हम जो कह रहे हैं वो करो तो स्वर्ग में जाओगे, और हम जो कह रहे हैं वो नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे डरा धमका करके सब कराया जाता है लोगों के पास। एकमात्र श्री कृष्ण है भगवत गीता में जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान देने के बाद भी कहते हैं यथेच्छसि तथा। तू सोच इसके ऊपर और तुझे जो ठीक लगे वो कर। सामने वाले की बुद्धि पर कितना भरोसा रखा है कि तुम भी बुद्धिमान हो, सोच लो। इमर्सन को यह बात बहुत अच्छी लगी, और ये फ्रीडम का आइडिया जो पूरे अमेरिका पर है। तो आपको जो थोड़े गोरे लोगों के नाम चाहिए थे मैंने दे दिए, ताकि आप गीता की महिमा को समझ पाओ।